हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे शंकु के बारे में और शंकु के वक्रपृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ के बारे में। तो आइए हम शुरू करते हैं। तो बच्चों, इस आकृति से तो आप परिचित ही होंगे। यह आकृति है एक शंकु की। शंकु आपने पहले भी पढ़ा हुआ है। तो शंकु में एक जो है शीर्ष होता है। तो ये जो आपको एंड पॉइंट दिख रहा है, नुकीला सा भाग जो दिख रहा है, वह क्या है? शंकु का शीर्ष है। और शंकु का आधार जो होता है वो वृत्ताकार होता है। आपने बर्थडे कैप तो देखा ही होगा, जो बर्थडे कैप होता है वह शंकु के आकार का होता है। तो इसमें बच्चों दो तरह की ऊंचाइयां होती हैं। शंकु में दो तरह की ऊंचाइयां होती हैं। एक ही आपको जो है जिसे हम लंबवत ऊंचाई कहते हैं, और ये जो ऊंचाई होती है इसे आप तिरछी ऊंचाई कहते हैं। इस ऊंचाई को हम तिरछी ऊंचाई या फिर स्लैंट हाइट कहते हैं, और इस ऊंचाई को हाइट कहते हैं या इसकी लंबवत ऊंचाई। और ये जो बिंदु आप देख रहे हैं, इसके आधार जो वृत्ताकार है वह इसका केंद्र होगा, और यह इसका क्या हो जाएगी? त्रिज्या हो जाएगी। यानी यहाँ से ओ से ए तक की दूरी जो है इस लंब वृत्त शंकु की त्रिज्या हो गई। और यहाँ जो हमने हाइट लिया है इसको हम ले सकते हैं, मान लीजिए हमने बी पॉइंट ले लिया, तो बी से ओ तक की जो ऊंचाई है वो एच यानी कि हाइट कहलाएगी, और ए से बी तक की हाइट को हम स्मॉल एल लेंगे, जो कि स्लैंट हाइट को रिप्रेजेंट करेगा यानी कि तिरछी ऊंचाई को प्रदर्शित करेगा। तो शंकु में आपके तीन भाग हुए, तीन अवयव हो गए शंकु में। एक हो गया इसका शीर्ष, और एक इसका जो समतल पृष्ठ है, और एक जो इसका आधार है जो कि वृत्ताकार है। तो इस तरीके से तीन आपको इसमें अवयव मिले। और जब हम इसका वक्रपृष्ठ निकालेंगे तो हम केवल इसकी बात करेंगे जो समतल एरिया इसका है, समतल क्षेत्रफल जो आपको दिख रहा है वही इसका वक्रपृष्ठ होगा। और जब संपूर्ण पृष्ठ लेंगे तो हम इस समतल पृष्ठ के साथ साथ जो आधार का क्षेत्रफल होगा उसे भी इसमें समाहित करेंगे। तो आइए हम जानते हैं शंकु का वक्रपृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। तो बच्चों, शंकु का वक्रपृष्ठ ज्ञात करने का एक फॉर्मूला है जो है पाई आर एल, जहां पर आर क्या होती है? आधार की त्रिज्या। शंकु का आधार वृत्ताकार होता है तो उसकी कोई ना कोई त्रिज्या हमें मिलेगी। तो ये जो आर होता है वो शंकु के आधार की त्रिज्या, जो कि इस क्षेत्र में ओए के बराबर है। और एल क्या है? एल जो है तिरछी ऊंचाई है। एल जो है तिरछी ऊंचाई है, और एच जो है सिंपल ऊंचाई होती है या लंबवत ऊंचाई। एल ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होता है? कर्णी में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का योगफल ज्ञात कर लेना होता है, और उसका वर्गमूल ज्ञात कर लेते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि यह जो शंकु होता है यह लंब वृत्तीय शंकु होता है, यानी जो त्रिभुज ओ ए बी आपको दिख रहा है इसमें क्या होगा? एंगल ओ जो होगा वो 90 डिग्री के बराबर है। यह कोण समकोण के बराबर है, तो यह त्रिभुज कैसा हो गया? एक समकोण त्रिभुज हो गया, जिसमें आप पाइथागोरस का प्रमेय का प्रयोग कर सकते हैं। तो पाइथागोरस के आधार पर ए बी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा ओ बी का स्क्वायर प्लस ओ ए का स्क्वायर, और ओ बी क्या है हमारा? एच स्क्वायर, और ओ ए जो है आर स्क्वायर, और ए बी को हमने लिया है एल का स्क्वायर। तो यहाँ से L बराबर मिल जाएगा अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो इस तरीके से L बराबर कर्णी में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर क्या हो गया? तिरछी ऊंचाई ज्ञात करने के लिए हमारे पास सूत्र हो गया। तो इस सूत्र की सहायता से हम दिए गए शंकु का वक्रपृष्ठ आसानी से ज्ञात कर लेंगे। आइए अब जानते हैं कि संपूर्ण पृष्ठ कैसे निकालेंगे। तो बच्चों, जैसा कि हमने बताया कि शंकु का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करने के लिए जो समतल एरिया होता है, यानी कि ये वाला एरिया, ये समतल क्षेत्रफल को भी आप लेंगे और साथ ही साथ आधार का क्षेत्रफल भी उसमें मिलाएंगे। आधार जो है वृत्ताकार है, और वृत्त का क्षेत्रफल आप जानते हैं पाई आर स्क्वायर होता है। तो जो आपका वक्रपृष्ठ निकला था पाई आर एल, इसमें हम पाई आर स्क्वायर को जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद आपको दिख रहा है कि यहाँ पर पाई और यहाँ भी पाई है, आर यहाँ भी है और आर यहाँ भी है। तो आप पाई और आर को कॉमन कर लेंगे, ब्रैकेट में आपका एल प्लस
आर बच जाएगा, तो ये आपका संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा। तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ बराबर पाई आर इन ब्रैकेट एल प्लस आर। तो ये आपके दो फार्मूले हो गए जिनकी सहायता से आप शंकु का वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कर पाएंगे। तो आइए अब हम उदाहरण के द्वारा समझेंगे कि किसी भी शंकु का वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ हम किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। बच्चों, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल समझने के लिए हमने एक उदाहरण लिया है और वह इस प्रकार है कि एक शंकु के आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर तथा तिर्यक ऊंचाई 30 सेंटीमीटर है, तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बच्चों, इस प्रश्न में दिया क्या चीज़ है, इस प्रश्न में आधार की त्रिज्या यानी कि स्मॉल आर दे दी गई है और तिर्यक ऊंचाई जो है, तिर्यक ऊंचाई को हम किस से डिनोट करते हैं, एल से डिनोट करते हैं, यानी कि यहाँ आर और एल आपको दिया गया है और ज्ञात क्या करना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल से हम क्या समझेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल यदि दिया है केवल तो आप समझेंगे कि आपको शंकु का संपूर्ण पृष्ठ ही ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं इसका हल। प्रश्न में जो दिया गया उसे हम पहले नोट कर लेते हैं। तो आधार की त्रिज्या जो है ये दी गई है, जैसे आप आर कहते हैं ये है 7 सेंटीमीटर। इसके बाद तिर्यक ऊंचाई इसे आप एल से डिनोट करते हैं, वो क्या है, 30 सेंटीमीटर। तो यहां पर आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ फार्मूला आपको पता है पाई आर इंटू कोष्ठक में एल प्लस आर या आर प्लस एल, ठीक है, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ से पाई आर इंटू एल प्लस आर या पाई आर इंटू आर प्लस एल आप ले सकते हैं, मान रख देते हैं। तो पाई का मान क्या होता है, 22/7, आर का मान यहाँ दिया गया है 7, और फिर से आपको आर लिखना है तो 7 प्लस एल कितना हो जाएगा, 30। अब इन्हें आप हल कर लेंगे, 7 से 7 यहाँ कट जाएगा, बचेगा आपका 22 × 30 और 7 = 37। तो इसका हम गुणा कर लेंगे रस्त में, तो यहाँ गुणा करने के बाद 814 वर्ग सेंटीमीटर ये जो है इसका, इस शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि संपूर्ण पृष्ठ आपको इस प्रकार से ज्ञात हो जाएगा। आइए एक और प्रश्न देखते हैं जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो बच्चों, यहाँ जो अगला प्रश्न हमने लिया है वो इस प्रकार है कि एक शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि शंकु के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई क्रमशः 42 सेंटीमीटर और 56 सेंटीमीटर हो। तो यहाँ पर आधार की त्रिज्या 42 यानी कि 42 सेंटीमीटर दी गई है और ऊंचाई जो है 56 सेंटीमीटर दी गई है, और आपको ज्ञात क्या करना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हम क्या समझेंगे, हमें संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना है, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना है। तो इस प्रश्न में बच्चों दिया क्या गया है, इस प्रश्न में आपको आधार की त्रिज्या आर दी गई है 42 सेंटीमीटर और ऊंचाई जो एच है वो दी गई है 56 सेंटीमीटर। तो संपूर्ण पृष्ठ जब भी हम निकालते हैं तो फार्मूला क्या होता है, पाई आर इंटू आर प्लस एल। यहाँ बच्चों H कहीं नहीं होता है फार्मूले में, आप ध्यान देंगे, R R L H नहीं होता है। तो इस H और R की सहायता से पहले हमें L ज्ञात करना पड़ेगा, तो L ज्ञात करने के बाद ही हम संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कर पाएंगे। तो चलें हम L ज्ञात कर लें, L का फार्मूला आपके पास है, L बराबर अंडर रूट R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, ठीक है, दोनों चीज़ें आपको पता है, केवल आपको मान रखना है। तो 42 का स्क्वायर आर का मान दिया गया है और एच का मान दिया गया 56 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब क्या करना है, इन दोनों में आप देख रहे हैं 7 के मल्टीपल हैं दोनों, 7 6 जा और 7 8 जा। तो यहाँ आप क्या करेंगे, 7 कॉमन कर लें या फिर इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, 6 × 7 होल स्क्वायर प्लस 8 × 7 होल स्क्वायर,
तो यहाँ दोनों में आप 7 का स्क्वायर कॉमन कर सकते हैं, तो आपको बचेगा 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, ठीक है। तो 7 स्क्वायर और 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर आप जानते हैं, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, 36 64 जोड़ेंगे तो 100 आएगा, यानी कि ये 10 का स्क्वायर है। और जब इसका वर्गमूल आप ज्ञात करेंगे, दोनों गुणन के रूप में है, तो ये आ जाएगा 7 × 10, यानी 10 × 70 सेंटीमीटर जो है L का मान आपको मिल गया। L मिलने के बाद क्या करना है, हमें केवल इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर लेना है। इस बेलन का जो है संपूर्ण पृष्ठ क्या हो जाएगा, पाई आर इंटू आर प्लस एल, केवल मान रख देना है, पाई का मान 22/7, आर का मान दिया गया है 42, और यहाँ भी 42 प्लस एल कितना आ गया, 70 सेंटीमीटर। अभी नहीं आप हल कर लें, अभी ने आप हल कर लेंगे, 7 × 6 = 42, 7 × 6 = 42। अब यहाँ गुणा कर सकते हैं, 6 × 2 = 12 और 6 × 2 = 13, यानी 132, और ये 70 + 42 हो जाएगा 112। अब इनका गुणनफल ज्ञात कर लेंगे, वही क्या हो जाएगा आपका संपूर्ण पृष्ठ। तो गुणनफल आपका आ जाएगा 14,784 वर्ग सेंटीमीटर। तो बच्चों इस तरह से दोनों प्रकार के प्रश्न आपने देखे, जिसमें ऊंचाई दी गई थी और दूसरा प्रश्न जिसमें केवल तिर्यक ऊंचाई दी गई थी और सिंपल ऊंचाई नहीं दी गई थी, यानी कि लंबवत ऊंचाई नहीं दी गई थी। तो दोनों तरीके के प्रश्न आप किस प्रकार से करेंगे ये आपने देख लिया और सीख लिया। और इस वीडियो से संबंधित कोई भी समस्या आपको होगी तो आप अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। धन्यवाद।